कोई चक्कर नहीं है मैं रवि हंस, मेंबर पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट। आज हमारी चेन हंगर स्ट्राइक जो है 30 दिन हो गए हैं, लेकिन सरकार बिल्कुल इस चीज़ को अनसीरियस ले रही है। आज हमारे साथी जो अर्धनग्न प्रदर्शन कर रहे हैं, ये सब दिखाता है कि सरकार कितनी नाकाम हो चुकी है। इस सरकार को बिल्कुल ही शर्म नहीं रही है, इसलिए आज ये साथी अर्धनग्न प्रदर्शन कर रहे हैं। और सरकार को हम ये बता देना चाहते हैं कि गर्मियों का सीजन शुरू हो चुका है और आने वाले दिनों में एक हम बहुत बड़ी मीटिंग जो हो रही है हमारे यूनाइटेड फ्रंट की, उसमें एक फैसला लिया जा सकता है आने वाले दिनों में काम छोड़ स्ट्राइक का। और काम छोड़ स्ट्राइक से जो भी जम्मू की जनता को परेशानी होगी, हम जनता से माफ़ी चाहते हैं। हम कभी नहीं चाहते थे कि ये नौबत आए, लेकिन हम उन्हें सारे कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके जो थे वो अपना लिए, चेन हंगर स्ट्राइक भी कर ली, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई। अब हमारे पास एक ही रास्ता है, काम छोड़ स्ट्राइक, और जो भी पानी की जो दिक्कत आने वाली है उसके लिए सीधी सीधी जम्मू कश्मीर एडमिशन जिम्मेदार होगी। जेंट के प्रेटन ड्यूटी, एग्रीकल्चर, कैजुअल लेबर्स, नीडबेस वर्कर्स, डेली वेजर्स यूनियन, आज मैं कश्मीर से जो जेके यूनाइटेड कैजुअल लेबर्स फ्रंट जम्मू प्रोवेंसी और कश्मीर में है, जेंट के एग्रीकल्चर, जेएंड के कैजुअल लेबर्स फोरम जिसकी कयादत सजाद अहमद परे कर रहे हैं, मैं इन भाइयों को ये यकीन दिलाता हूँ कि आप अकेले नहीं हैं, हम और हमारे बच्चे आपके इस हंगर स्ट्राइक में बराबर साथ है। चाहे इसके लिए कोई कदम भी हमें उठाना पड़ेगा, हम सरकार को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक ना एक एक पाई का हिसाब लेंगे, और तब तक लड़ेंगे जब तक ना हमको हक मिलेगा। हम सरकार से यही अपील करते हैं कि जो 61,000 आरजी मुलाजमीन का मसला है वो जल्द अज जल्द हल करे, रेगुलराइजेशन पॉलिसी हो, पेंडिंग वेजेस का सवाल हो या मिनिमम वेजेस एक्ट हो। मैं इन भाइयों को यकीन दिलाता हूँ, एग्रीकल्चर, कैजुअल लेबर्स, नीड बेस वर्कर्स, डेली वेजर्स फोरम आपके शाना बशाना साथ है, और अगर इसके लिए आपको हमारा खून की ज़रूरत भी पड़ेगा तो हम गवारा नहीं करेंगे। और जो दरबार मुँह जो श्रीनगर जाने वाला है, और अगर दरबार मुँह से पहले जो पहले सरकार ने हमारी मांगों को पूरा नहीं किया है, जो यहाँ पर हंगर स्ट्राइक चल रही है इनके मुतालबात को हल नहीं किया है, तो जो दरबार मुँह श्रीनगर जाने वाला है और हम ऐसा आंदोलन उठाएंगे जिसको सरकार के रोकने के बस